दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करते हो या फिर ग्लोसी पेपर पे फोटो प्रिंट करते हो तो कौन सा ग्लोसी पेपर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। साथियों, मैं यूज करता हूं एप्सन प्रिंटर, तो एप्सन प्रिंटर के लिए जो है वो बेस्ट रहने वाला है 180 DSM वाला पेपर। ठीक है, इससे ज्यादा का अगर आप लोगे तो वो एप्सन प्रिंटर में सपोर्ट नहीं करेगा। ये तो हो गई एप्सन प्रिंटर की बात। अगर साथियों आपके पास कैनन प्रिंटर है तो आप उसमें 180 DSM से ज्यादा का भी पेपर यूज कर सकते हो। उसका मतलब है कि वो थोड़ा सा और मोटा आ जाएगा और वो सपोर्ट कर लेगा, यानी कैनन प्रिंटर मोटे पेपर को सपोर्ट कर लेता है। बाकी साथियों, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई सा भी पेपर आप यूज कर सकते हो, DSM का मैटर है पूरा। अभी यहाँ पर जो मैं यूज करता हूँ पेपर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। साथियों, इसकी जो कंपनी है आपको दिख रही होगी कि कंपनी है, और इसी के साथ में यहाँ पर देखो कैनन, ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे कैनन और एप्सन भी लिखा हुआ आ रहा है, और थोड़ा सा इसके नीचे देखोगे तो आपको एचपी प्रिंटर का भी लिखा हुआ आएगा। यानी ये जो पेपर है वो सबके लिए बेस्ट है, और इसमें देख सकते हो आप पासपोर्ट साइज फोटो बनी हुई है, तो ये वैसे भी बेस्ट है जो इसमें पासपोर्ट साइज फोटो बनी हुई आ रही है। ये तो पर्सनली बना ही पासपोर्ट साइज फोटो के लिए है। अब साथियों, हम जान लेते हैं इस फोटो पेपर की प्राइस कितनी है। तो साथियों, अगर इसकी आप रेट देखोगे तो आप यहाँ पर रेट देख सकते हो, MRP जो आपको दिख भी रही होगी, शायद मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बारे में थोड़ा सा साथियों, वैसे आपको दिख नहीं रही होगी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर इसकी MRP है, वो है 366 रुपये। जबकि साथियों, ओरिजिनल अगर आप ऑफलाइन इसको परचेज करते हो तो आपको सस्ता पड़ने वाला है, 180 रुपये का मैंने इसको परचेज किया है ऑफलाइन। जबकि ऑनलाइन आप इसको परचेज करोगे तो 180 नहीं, ये 250 से 300 के करीबन आपको मिलने वाला है। ये तो हो गई ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात। ऑनलाइन आप कोई भी सामान परचेज करोगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा, शिपिंग चार्ज और लग के आएगा इस पे। ठीक है, तो पहली कोशिश तो ये है, आप जब भी फोटो प्रिंट फोटो पेपर लो तो आप ऑफलाइन ही परचेज करो आसपास की दुकानों से। और साथियों, इसको मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ कि तो पेपर है उसकी मोटाई कितनी है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको खोल के दिखा दूँ एक बार, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, ग्राहक आ जाएंगे अभी बीच में तो वीडियो को कट भी करना पड़ेगा। वीडियो तभी बनाता हूँ साथियों जब कोई ग्राहक नहीं रहता है। ये देख सकते हो आप कैसे ये आवाज कर रहा है, तो ये पेपर बेस्ट है क्योंकि मैं तो इसको पहले भी यूज कर चुका हूँ, बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। और मोटाई की बात की जाए तो काफी मोटा भी है, मोड़ने से पता लग जाता है, हाथ में लेते ही पता लग जाता है पेपर कैसा है। तो इस कंपनी का आप पेपर परचेज कर सकते हो। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही मैं वीडियो रोज इसलिए नहीं बनाता क्योंकि कस्टमर आते रहते हैं तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो वीडियो तो मैं उस दिन बनाता हूँ तब साथियों में कोई कस्टमर ना हो, और या फिर मैं फ्री हो तो उस टाइम पर ही वीडियो बना पाता हूँ, बाकी अदर टाइम पर तो वीडियो बना नहीं पाता हूँ क्योंकि कस्टमर के सामने साथियों वीडियो बना नहीं सकते। वो बोलते हैं कि पहले हमारा काम करो, जबकि ऐसा हो नहीं पाता है। तो साथियों, और भी आपको इमेजर से रिलेटेड या फिर प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जल्द बना दूंगा और आपकी जो भी समस्या होगी उसका सॉल्यूशन जल्द ही हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।